नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। 15 जून तक अतिथि शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं मित्रों। बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, बड़ा शौक होता है अतिथि शिक्षक में पढ़ाने का जब पहली बार रोजगार मिलता है, लेकिन वो ही रोजगार दोस्तों आखिरी में एक बड़ा संकट भी बन जाता है। अब आप कहेंगे वो कैसे सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 14-15 साल से अतिथि शिक्षक पद्धति चल रही है, लगातार कई अतिथि शिक्षक में काम करते करते ही रिटायर्ड होने लगे हैं, लेकिन उनको ना तो कुछ हुआ है और अक्टूबर से उनको मानदेय थोड़ा अच्छा मिलने लगा था, तो यहाँ पर कुछ बहुत सी ऐसी दिक्कतें सामने आ गई जिससे पुराने अतिथि शिक्षकों पर तो संकट है। और उन्होंने एक लाइन बड़ी जोरदार लिखी है लोक शिक्षण संचालनालय से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए जिससे कोई भी अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक की नौकरी करने से वंचित ना हो। तो हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, पता तो सभी को चल जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ महापंचायत में जो घोषणाएं हुई थी उसमें एक घोषणा यह भी थी कि अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवा काल। अब जुलाई अगस्त में भर्ती होगी तो अप्रैल में हटा दिया जाएगा, इसके बाद में बीच में भी हटाने के चांस है, जैसे प्रमोशन या कोई शिक्षक आ गया, क्योंकि अतिथि शिक्षक को सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था मानती है। हाँ, एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी स्कूल में अस्थायी रूप से काम करने वाला अतिथि शिक्षक जिसको एक मानदेय दिया जाता है, और पूर्व शिक्षा मंत्री ने तो यह कहा था कि हम एक सम्मान निधि देते हैं। हाँ, सम्मान निधि देते हैं, जो कि हम सम्मान से देते हैं, मानदेय नहीं मिलता, लेकिन एक निश्चित तारीख को मानदेय देने की बात कही थी। और अब यहाँ पर मार्च अप्रैल का मानदेय अभी भी नहीं मिला है। अतिथि शिक्षकों पर आर्थिक संकट है। एक और अतिथि शिक्षक भाई की हृदय गति रुक जाने के कारण मौत हो गई मित्रों। लगातार अतिथि शिक्षकों की संख्या कम होती हुई लेकिन यहाँ से बढ़ती हुई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। लेकिन एक बड़ा अपडेट जो आपको बताना चाहते हैं, देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा मित्रों। लगातार अतिथि शिक्षकों से संबंधित अपडेट आप लोगों के लिए लाते हैं हम, और 12 की जगह 10 महीने का मिलेगा लाभ। अतिथि शिक्षकों की नए तरीके से होगी नियुक्ति, पंजीयन 15 जून तक, ये आज का ही अपडेट है। और सतना मेहर जिले में अतिथि शिक्षकों की नए तरीके से नियुक्ति होगी। यहाँ शिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद हटाए गए अतिथि शिक्षकों ने मांग उठाई थी कि उन्हें फिर से संबंधित स्थान पर अवसर दिया जाए, पर लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने अतिथि शिक्षकों की मांग को खारिज करते हुए नया आदेश जारी किया है। कहा है कि अब नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी जिसका 15 जून तक पंजीयन होगा। अतिथि शिक्षक 12 माह की जगह 10 माह के लिए रखे जाएंगे। यह नियुक्ति 1 जुलाई से 30 अप्रैल तक होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए एक बार फिर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। नियुक्ति के पहले नवीन आवेदकों का पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों की जानकारी अपडेट करनी होगी। इसके तहत नए आवेदकों को GFMS पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और इसके साथ ही आधार, KYC, शैक्षणिक एवं व्यवसाय की योग्यता की जानकारी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके बाद पास करने की जानकारी, पंजीकरण में दर्ज समस्त योग्यताओं की मूल अंग सूची लेकर संकुल प्राचार्य से आवेदन कर ऑनलाइन सत्यापन कराना। संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन के बाद स्कोर कार्ड जनरेट होगा। पूर्व से पंजीकृत को नहीं करना है पंजीयन। हाँ, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है उनको कुछ नहीं करना है। बताया गया है कि पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को पुनः पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आवेदकों को नए नवीन शैक्षणिक एवं व्यवसाय की योग्यता दर्ज करने के लिए प्रोफाइल अनलॉक करना होगा, नवीन शैक्षणिक एवं व्यवसाय की योग्यता की जानकारी अपडेट करना। आवेदक द्वारा योग्यताओं के अपडेशन एवं संशोधन करने के बाद संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन सत्यापन कराया जाएगा। इसके साथ ही संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदन में दर्ज सभी योग्यताओं का मूल दस्तावेजों से मिलान कर जानकारी
सत्य पाए जाने पर पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। इस तरह से मिलेगा मानदेय। आवेदन सत्यापन के उपरांत आवेदक को प्रिंट निकाल कर दिया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें वर्ग 1 से 18,000 मानदेय मिलेगा, वर्ग 2 से 14,000 और वर्ग 3 से 10,000 मानदेय मिलेगा। अतिथि शिक्षकों का अनुबंध 10 महीने के लिए होगा। शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को आरक्षण भी मिलेगा। अब आरक्षण तो मिलेगा, लेकिन 25% या 50%, ये इन्होंने पेपर वालों ने खुलासा नहीं किया। लेकिन ठीक है मित्रों, ये आगे का फैसला DPI करने जा रहा है और लोक शिक्षण संचालनालय से जल्दी अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश शीघ्र ही जारी होगा। 15 तक एक काम चलेगा, 15 के बाद अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है, हो सकता है कि उसका आवंटन आ सकता है और इसी महीने में अतिथि शिक्षकों का मानदेय मिलेगा। बाकी लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए। ज्ञापन दिया था आज कई जिलों में अतिथि शिक्षकों ने, जागे ना जागे मुकद्दर आपका, मेरा फर्ज आग लगाते रहना दोस्तों। नए नए अपडेट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और आप सभी भाई कैसे हैं तो जरूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से। बाकी जिन भाइयों की जो भी दिक्कत है, अगर आपने परीक्षा पास की जानकारी दर्ज नहीं कर पाई है तो आप कर सकते हैं। अगर पहले कोई आपकी पोर्टल में अगर पहले रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया था लेकिन सत्यापन नहीं कर पाए थे तो अब आप करवा सकते हैं। 15 तारीख तक आप आसानी से ये काम करवा सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार इस डेट में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इतने जल्दी ये नहीं होता है। DPI 1, 2, 3 आदेश तो जारी करता है कम से कम ऐसे काम करवाने के लिए। तो आप सभी भाइयों को फिर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।